नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू माइटोसिस। माइटोसिस के रिगार्डिंग हम लोगों को स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। ध्यान दो बेटा, स्पिंडल फाइबर यूजुअली अटैच होता है विद द काइनेटोकोर। आपको डिटेल में जब पढ़ा रहे थे क्लास में तो डिस्कस किया होगा कि बेटा काइनेटोकोर जो होता है वो सेंट्रोमियर का इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग यहीं स्किप करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ा जाएगा। क्रोमोसोम डीकंडेंस एट टीलोफेज। टीलोफेज इज द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, और टीलोफेज के बारे में डिस्कस किया है कि प्रोफेज का जस्ट अपोजिट होता है। प्रोफेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं, और टीलोफेज में आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल को जाते हैं और क्रोमेटिड्स खुलते हैं, क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये बिल्कुल सही है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज। वेरियस एनाफेज जाना जाता है सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग के लिए, और वहीं पर क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है, पोलवर्ड माइग्रेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ऑल द क्रोमोजोम लाई एट इक्वेटर एट मेटाफेज। तो जो एग्जिस्टिंग ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या होगा, वो इनकरेक्ट होगा। रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर हमने इस स्टेटमेंट को क्यों स्किप किया था, कभी कभी क्वेश्चन में काइनेटोकोर को सेंट्रोमियर का पार्ट मान लिया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो एग्जिस्टिंग ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे ऑप्शन 1 के साथ। थैंक यू।